होते हैं तुम उनकी बाबत ना वाकिफ रहो और उनके तरह गम करो जिनके पास कोई उम्मीद ही नहीं, जिनके साथ कोई वादा ही नहीं है, जो खुदा के बगैर जीते हैं, जो दुआ के बगैर जीते हैं, जो वर्शिप के बगैर जीते हैं। बड़ी देर के बाद मैंने एक ऐसी मीटिंग की है जिसमें जब हम जबूर गा रहे थे ना, तो पीछे से वाजे आ रही थी जबूर गाने की, ये मैंने भी गा रही थी, अंदर से भी वाजे आ रही। मैं सोच रहा था क्योंकि खादम के घर में इबादत है मेमोरियल सर्विस की, और खादम की बीवी की मेमोरियल सर्विस है, इसलिए बड़े मखसूस और ख़ास लोग आए हुए हैं कि जिनको सचमुच गीत आते हैं। नहीं तो आजकल किसे मीटिंग से चले जाओ, किसे जगह से चले जाओ, कहीं जाओ ना, कोई दुआ करे खानदान नहीं आती, गीत नहीं आती, लोग गीत भूल गए, लोग दुआएं भूल गए। वो कहते ने पादरी का दली रखे, एक पास्टर गाता है उसी ने दुआ करनी, लेकिन जो लोग खुदा के कलाम से, उसके गीतों से, जबूरों से, दुआओं से भरे हुए, मुकद्दस पौलुस कहता है कि मसीह के वादे उनके साथ जिनके दिल में खुदा के कलाम की, उसको सुनने की, उसको पढ़ने की भूख और प्यास है। आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं तुम उनकी बाबत ना वाकिफ रहो। मुकद्दस पौलुस रोने से मना नहीं करता, ना वो गम करने से ही मना करता। मुकद्दस पौलुस कहता है गम करो, अगर आंसू आते हैं, रोना आता है, रो लो, लेकिन उनकी तरह गम ना करो, उनकी तरह ना रोवो जिनके साथ कोई वादा ही नहीं, जिनके पास कोई उम्मीद ही नहीं। आए भाइयों, हम नहीं चाहते जो सोते हैं तुम उनकी बाबत ना वाकिफ रहो और उनकी तरह गम करो जो ना उम्मीद है, जो मसीह के बगैर, दुआ के बगैर, जो वर्शिप के बगैर, कलाम के बगैर, चर्च के बगैर। एक बात मैं हर जगह जरूर कहता हूं, क्योंकि मेरी खिदमत एक मुबशर की तरह है, बड़े बड़े पासवान यहां पर बैठे हुए, मैंने लफ्ज कहा कि जो चर्च के बगैर जिंदगी बसर करते हैं उनके उनके पास कोई उम्मीद नहीं, उनके साथ कोई वादा नहीं है, क्योंकि चर्च मसीह की दुल्हन है, और दूसरी चीज चर्च मसीह का बदन है। जो कोई चर्च का हिस्सा है वो मसीह के बदन का हिस्सा है। जो कोई, अच्छा किसी भी चर्च, कोई मखसूस चर्च नहीं, चाहे किसी घर में भी क्यों ना लगता हो, चाहे किसी गली में, चाहे किसी छत में, चाहे उसकी बिल्डिंग का साइज कितना बड़ा,
चाहे बिल्डिंग का साइज कितना छोटा, याद रखे दुनिया के तमाम करोड़ों चर्च मिलकर यीशु मसीह का एक ही चर्च बनते हैं। हालेलुया। सिर्फ आसमान पर यीशु मसीह की कलीसिया जाएगी, जिस कलीसिया का मालिक। अच्छा, मैं ये भी बात एक और कर दूं, तो मेरे साथ भाई बैठे हैं। अच्छा, हम जो खादम है ना, हम मालिक नहीं है, हम उसकी दी हुई खिदमत करते हैं, मालिक नहीं। वो खिदमत के लिए हमें बुलाता है, हम कलीसिया की खिदमत करते हैं। सो दुनिया में चाहे अरबों चर्च हो, करोड़ों चर्च हो, तमाम चर्च मिलकर एक ही चर्च है जिसका मालिक, और हमें किसी न किसी चर्च का हिस्सा होना चाहिए, किसी भले उसका कोई भी। जहां कहीं हमें बरकत मिलती, जहां हम आसानी से जा सकते हैं, लेकिन जो कोई चर्च का हिस्सा है वो मसीह के बदन का हिस्सा है, वो मसीह की दुल्हन है। लेकिन अगर चर्च का हिस्सा नहीं, कलीसिया का हिस्सा नहीं, तो मसीह के बदन का हिस्सा नहीं, क्योंकि मसीह के सारे वादे अपनी दुल्हन के साथ, अपने चर्च के साथ, अपने बदन के साथ। आए भाइयों, हम नहीं चाहते जो सोते हैं तुम उनकी बाबत गम करो, तुम उनकी बाबत ना वाकिफ रहो और उनकी तरह गम करो, जो ना उम्मीद है, जो दुआ के बगैर, जो गीतों के बगैर, जिन्हें देखो दुआ भी नहीं, क्या नहीं है। लेकिन जो लोग खुदा को प्यार करते हैं, वो सुबह जब घर से निकलते हैं दुआ करते हैं, खुदावंद मैं अपने आप को सौंपता हूँ तुझे, सौंपता हूँ। जब घर वापस आते हैं, जो काम करते हैं उसके ऊपर बरकत मांगते हैं। मसीह ने चर्च कलीसिया ईमानदारों के साथ वादा किया, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह। मैं सोच रहा इतने बंदा थोड़ा जगह अच्छा बना लै, टहला छहला दे, सारा कुछ वाहवा कर लेना, तो बाहर निकल के देना कैसा सोना घर बनाया। बंदे का घर एडा प्यारा बन जाता है, जी जगह जरा घर यीशु मसीह के हथा के इरादे में प्यार होया। कितना प्यारा। मैं सोचता हूं एक नई बात, आदमी करोड़ों साल उस जगह पर रहेगा तो उसको ऐसे लगेगा हले होनी है, बोर नहीं होगा, उसके कलर फेट नहीं होंगे, वो जगह कभी आम नहीं होगी। ईमानदार उस जगह को देखते हुए, देखते देखते इधर को जाएंगे, जब उनकी नजरें वापस लौट कर आएंगी, उस घर का जलाल, उसकी रोशनियां, उसका कलर, उसका सुकून, उसका मसा पहले से भी बढ़ चुका होगा। हालेलुया। ऐसा खूबसूरत घर जिसका वादा मसीह यीशु ने ईमानदारों के साथ किया कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए, ये बड़ी तसल्ली है। आए भाइयों, हम नहीं चाहते जो सोते हैं तुम उनकी बाबत ना वाकिफ रहो कि उन्हें तो बढ़ेगा नहीं। तो ईमानदार जानते हैं जब वो दुनिया से रुखसत होंगे, उन्होंने बहुत खूबसूरत, बहुत सुपर इंतजाम, और उन्होंने बहुत अच्छी जगह तैयार की थी कि जिदा वादा मेरे ताडे यीशु मसीह ने किया, और जगह जिथे ना किसी को भूख लगे, तो ना किसी को धुप लगे, ना किसे नू प्यास लगे, ना किसे नू ठंड लगे, ना उस घर च दवाइयां, ना उत्थे टीके, ना उत्थे शुगर, ना उत्थे ब्लड प्रेशर, ना उत्थे कोरोना, ना उत्थे जनाजे। ऐसा घर, अति सुकून, कोई मेडिसिन नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, उस जगह पर सिर्फ बादशाह यीशु। हालेलुया। और ये वादा सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके दिल में खुदा का खौफ है। इनिया चीजा घर टीवी अठ अठ घंटे दी, जो 15 मिनट बाइबल खोलेंगे तो कड़ी वीडी गल। मैंने वो वक्त देखा, क्योंकि मैं बहुत एक आम गरीब से खानदार से रहता, मेरे माँ बाप सादा मजदूर लोग, तो ये ना कि लाहौर में आके देखे, नहीं तो दीवे होंगे सी, तो थोड़ी जी असी तरक्की की ना दीवे तो अगे, तो लालटेन आ गई। तो गल मैं दस रहे इसलिए गया कि मैंने पहली दफा पूरी बाइबल जो है वो लालटेन के ऊपर। आज घरों में इतनी रोशनियां हैं, एक कमरा 6-6 बल्ब, एक बरामदा 6-6 बल्ब, इतनी रोशनियां हैं। पढ़े लिखे बच्चे हमारे साढ़े दौर
ਮੇਰੀ 55 ਸਾਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਝੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਐਮਏ ਐਮਫਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਲੇਕਿਨ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਭੀ ਭੂਲੇ ਸੇ ਬਾਈਬਲ ਕੋ ਵੀ ਹਾਥ ਲਗਾ इसलिए इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद नाकाम है। इसके बगैर तरक्की नहीं, बरकत नहीं, खुशी नहीं, तसल्ली नहीं, इत्मीनान। जो बच्चे तरक्की करना चाहते हैं वो देख, अगर मैं तो कच्ची गलियों में कच्चे कोठे में पैदा होने वाला शख्स आज दुनिया में कलाम सुना सकता है, आप उसे कितना आगे, आप कहां तक तरक्की कर सकते हैं, कहां तक जा सकते। आए भाइयों, हम नहीं चाहते जो सोते हैं तुम उनकी बाबत ना वाकिफ रहो और उनकी मदद गम करो जिनके पास कोई उम्मीद ही नहीं, जो मसीह के बगैर, दुआ के बगैर, बाइबल के बगैर जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि मसीह के सारे वादे कलीसिया के साथ। उसने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह की जगह। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि उसने अपने लोगों से कहा, कलीसिया से कहा, मैं और मेरे लोग उठे इकट्ठे रहेंगे। ये सारे वादे उन लोगों के लिए जिनके पास, याद रखे आखिरी वक्त है, हम एक तरफ से टेंशन जाती नहीं है, दूसरी आ जाती है, अभी उसको हम बोलते नहीं है, तीसरी आ जाती है और बड़ी तेजी से वक्त इख्ताम की तरफ जा रहा है। और आज ईमानदारों सोच लो, आज यहां से हमने सीख के जाना है कि सचमुच अब यीशु बहुत जल्द आने वाला है। ये जो वादे हैं ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें दिल से खुदा ने प्यार है। कितनी बरकत की बात है जब हमारे दिल जो है ये खुदा के पाक कलाम से भरे हुए, और ये वादे उनके लिए, और जो मसीह के बगैर जीते उन्हें नहीं, उन्हें त्रेह भी लगनी जे, उन्हें भुख भी लगनी जे, उन्हें दुख भी सहना पैना जे, उन्हें पता नहीं की मुसीबत। हाँ, मुकद्दस लूका की अंजील में देखें, मुकद्दस लूका की अंजील में लिखा है वो अमीर आदमी जब देखता है दूरों बाप इब्राहिम की गोच लाजर के, बाप इब्राहिम की गोच लाजर आवाज मारी दूरों, आख्या आए बाप इब्राहिम मैं मिन्नत करता, मेरा कलेजा सड़ रहा, मेरी जबान सड़ रही है, मैं कोई जग नहीं मंगता, मैं कोई टब नहीं मंगता, मैं कोई गिलास नहीं मंगता, मैं कोई कप नहीं मंगता, मैं मिन्नत करना के पानी का मांगना ते सिर्फ एक कतरा, बस एक कतरा। बाप इब्राहिम ने क्या कहने का, यार गल आ कि तू कड़ा एडा बहुता मंग लिया कि तेरे अगे आने अस पूरी नहर ही बगा दिए या पूरा खाला ही कर दिए। गल आ कि गल पानी की कोई नहीं कि असी दे नहीं सकते, गल आ कि असी तेरे पासे नहीं आ सकते ते तू शाबाश। इसलिए वजह ये है पानी तुम्हें इसलिए नहीं मिल सकता कि हम तेरी तरफ नहीं आ सकते तो तू। मैं एक दिन सोच लिया सी, मैं क्या ये थे बहुत मुश्किल काम है, जिस पासे को जाके डिग पिया वो करोड़ों साल उधर ही रहेगा, अगर कोई अपनी हलाकत डिग पिया तो करोड़ों साल दुख उठाएगा, अगर कोई फरदौश में चला गया अपनी आराम में चला गया तो वो करोड़ों साल मसीह के साथ अपनी आराम में रहेगा, उसे पासे नहीं बदल। बाप इब्राहिम ने कहा कि गल पानी दी नहीं है, गल पासे दी है कि असि तेरे पासे नहीं आ सकते ते तू साडे पासे नहीं आ सकता। मैं सोच गया सा आज जिथे आप बैठे हैं और उथे ते पासे नहीं बदल सकते, इथे ते पासे बदल सकते ने। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर कोई सच्चे दिल से बस इतना कह दे तू बादशाह है, तू माफ करने वाला है, साबर है, रहम दिल है, तेरे बेटे ने साडे लिए इन्ना खून वहाया, सानू चेता साडे च बहुत गलतियां, तू साडी गलतियां दा हिसाब करे ते असी ते वेख ही नहीं सकदे तेनू, फिर भी अज माफी मांगूंगा, असी दूजे कम्मां दे नाल नाल दुआ भी करांगे, गीत भी गावांगे, तेनू दिल च भी रखांगे, पहाड़ पहाड़ जिहड़े गुनाह दे खुदा माफ कर सकदा है। हालेलुया, हालेलुया। आखरी बात करना चाहता हूं, मैं सोच रहा सी आ कतरे ना बनता कि नहीं, जेब गिली नहीं होंगी जी, है ना सकता जी, अस एक कतरा जबान से रखिए तो कही बल्ले 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 बड़ा पानी पी लिया ए बोल के मैं क्या कि मंगया भी पानी का एक ए बनता की
चेता आ गया मां का। मेरी मां सादा जी पिंड की औरत सी, वह कभी निम थले उन्हें चरखे डाए होने, कभी सा कट्ट दया होना बिच सहेलियां सहेलियां रल के। और मेरी मां की एक गल मैनू कभी नहीं भूलती, उन्हें ना जो सहेलियां सहेलियां ने एवं गलां गुला कर दिया ना, तो मेरी मां ने कहना लै मंग भी मंगी ते है ना, चेता आ गया। यदा मतलब बुरा नहीं कि मंग भी मंगी, यदा मतलब यह आ कि की मंगया कि कर्ज पूरी ना हो। पानी का एक कतरा की है, पानी का एक कतरा। पर मैं आपको आज ये आखिरी बात इसलिए बताना चाहता हूं, उस शख्स को जहन्नम में जाकर इस बात का तजुर्बा हुआ कि जिंदगी के दरिया से निकलने वाला पानी का एक कतरा जहन्नम की सारी आग पर गाली भर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ मैं मंगया सी अपनी औकात तो वध के, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे ऐसा पानी देता है कभी तेरे ही लग जाए, तू आप चश्मा बन जाए। एक कतरा उसको पता चला, वो एक कतरे की यह वैली है कि उधरों इधर आ जाए तो जहन्नम की आग ही बोल जाए। आए भाइयों, हमने चाहते जो सोते हैं तुम उनकी बाबत ना वाकिफ रहो और उनकी तरह काम करो जो मसीह के बगैर जीते, दुआ के बगैर, चर्च के बगैर मसीह के सारे वादे अपने लोगों के साथ। उसने कहा फिर मैं और मेरे लोग इकट्ठे रहेंगे, मैं अपने लोगों के साथ सुकूनत करूंगा और उनके आंखों के सारे आंसू। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि मेरी माँ भी नहीं है। और जो सबसे अच्छी प्यारी बात है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा ये घराना है, बहुत प्यार था सबका आंटी के साथ, मेरा भी बहुत प्यार था अपनी माँ के साथ। क्योंकि मैं अब कोशिश करता हूँ, मैं मेरे से नहीं गाया जाता, मुझे भी याद आ जाती है मुझे वो वक्त खूबसूरत जो मेरा अपनी माँ के साथ गुजरा, ये मेरी तरफ से उनके लिए। बेटा हमारा आपस में कितना प्यार है, कितनी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, बाप जैसा खूबसूरत रिश्ता भी दुनिया में कोई नहीं। कभी आप सिर्फ इतना गौर करें कि आज आप अगर कामयाब है अपनी जिंदगी में तो आपके बाप की बहुत मेहनत है। मैं हमेशा ये बात इसलिए करता हूँ कि जब माँ की बात होती है तो इसका मतलब है बाप की बात होती है। आज मेरी माँ नहीं है तो ये मुझे बताते फख्र महसूस होता है कि हमारे बाप ने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होती। हम जो अपनी माँ के साथ बात करते थे आज वही बात हम अपने बाप के साथ करते हैं। कभी दिल खोल कर अपने बाप के साथ बैठे, बहुत अच्छा लगेगा। जूंदिया मावा वाले बछड़े चीजा मंग दे मांग दले थे बोया अज किते हुंदी जे माने जिन
पुत्र जे कर जान विमंगम पुत्र जे कर जान विमंगम पुत्र जे कर जान विमंगम लेकिन मां जानती है, मां वो तकलीफ वो दर्द हमारे बताने से पहले ही समझ जाती है। तेरे तेरे के
घर बिच मां नहीं हो।